या टेल मी, क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या करते हो? हाय, मेरा नाम बंदगी कालरा है. मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, बट प्रेजेंटली मैं बॉम्बे में रह रही हूँ. आई वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एमएनसी. एंड कब मूव हुए बॉम्बे से? 2 साल हो चुके हैं मुझे बॉम्बे मूव हुए हुए. एंड व्हाट मेड यू मूव फ्रॉम पंजाब? आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मूव टू मुंबई, बट लकीली मेरी जो कंपनीज थी दे प्लेस मी इन टू बॉम्बे. बट इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से किया है, तो मैं चंडीगढ़ रह चुकी हूँ. इंटर्नशिप दिल्ली से की है, तो 1 साल दिल्ली भी रह चुकी हूँ. एंड पानीपत मेरा होम टाउन था, बट रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू पंजाब, एक फिरोजपुर के पास टाउन में. सो बेसिकली 5 to 6 cities आई हैव लिव्ड एंड आई नो. सो टेल मी मोर अबाउट योर नेचर, हिंदी में बात करनी है. फन लविंग पर्सन हूँ, रियलिस्टिक हूँ बहुत, और फेक लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. झूठ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है. और द पीपल आई लाइक आई लाइक, द पीपल आई डोंट लाइक आई रियली डोंट लाइक. एंड जो मेरे लिए मैटर नहीं करते वो चाहे मुझे पोक करे, कुछ बोले, इट डजेंट मैटर. आई हैव अ वेरी स्टेबल माइंड, तो वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर. आई कैन टोटली इग्नोर देम एज इफ दे आर डेड. कौन लोग पसंद नहीं है? झूठ, प्रिटेंडिंग, और जो फुकरी मारते हैं. जैसे फुकरी वाले लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. जैसे घर में 1 रुपया नहीं है लेकिन बाहर आके फुकरी मारे, मेरे पास ये कार है, मेरे पास वो कार है, ये लड़की मेरे साथ घूमती, ये लोग तो आई कैन नॉट स्टैंड एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. मतलब आई विल स्टैंड अप फ्रॉम द टेबल, बट आई कैन नॉट सिट विद दीज पीपल. तो आपको पता जाता है ये फेक कर रहे हैं या फिर हवा बाजी? बिल्कुल इजीली. हॉस्टल में रही हूँ 4 साल, तो 1100 लड़कियों के साथ रहती थी. So, इतना तो सीख ही लिया कि कौन सा फेक कर रहा है और कौन सा सच बोल रहा है. ऐसा कोई लास्ट कोई बंदा मिला जिसके बारे में वांट टॉक? फेक किया हो जिसने? बहुत मिलते रहते हैं. बॉम्बे रहती हूँ, दिल्ली रही हूँ, तो बहुत मिले. कोई एग्जांपल दो किसी का कुछ. क्लासमेट्स थे ऐसे जिनको फुकरी मारने की बहुत आदत थी. एंटर हुए, फुकरी मारी, मैंने कल ये किया, ये क्लब में गया, चाहे अपने घर में बैठ के बस आराम से टीवी देख रहे थे. सो आई नो मेनी पीपल, बीन थ्रू मेनी पीपल. So you don't like people जो झूठ बोलते हैं या फिर? नहीं, झूठ तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. आप जैसा मुझे सच बताओ या सच बताओ ही मत, बट झूठ मत बोलो प्लीज. झूठ आई कैन नॉट स्टैंड. एंड मैं खुद भी झूठ नहीं बोलती हूँ बिल्कुल भी. चाहे मुझे नहीं बताना पड़े, 2 दिन बाद में बता दूँ, बट झूठ नहीं बोल सकती. छुपाते नहीं हो कुछ? नहीं, छुपाती नहीं हूँ. आई विल टेक टाइम, 5 दिन बाद बता दूंगी तुम्हें वही बात, बट झूठ नहीं. तो क्यों आना है बिग बॉस में? बिग बॉस में इसलिए आना है बिकॉज मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपनी लाइफ में अचीव किए हैं थिंग्स. ठीक है, आई हैव बीन टू सम ऑफ द नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट्स इन दिल्ली, बट माय डैड ही इज लाइक नॉट ऑलवेज दैट हैप्पी और दैट प्राउड ऑफ मी जितना मुझे लगता है उनको होना चाहिए. बीइंग एन इंजीनियर, जितनी प्लेसमेंट्स मुझे मिल सकती थी, आई हैव बीन वन ऑफ द स्टूडियो स्टूडेंट एंड अचीव्ड सो मेनी थिंग्स इन माय कॉलेज ऑल्सो. कोऑर्डिनेटर रही हूँ, प्लेसमेंट मेंटोर रही हूँ, एंड 3-4 प्लेसमेंट मेरे पास ऑफ कैंपस ऑन कैंपस थी, बट वो कभी पैट ऑन द बैक नहीं मिला मुझे डैड से. फोन करके बताया था यहाँ प्लेसमेंट होगी, अच्छा गुड. इट्स लाइक देर नॉट लाइक वेरी हैप्पी. सो कुछ तो ऐसा करना है जिसको देख के उनको एक्चुअली में लगे कि या शी हैज डन समथिंग, और मुझे एक्चुअल में वो पैट ऑन द बैक मिल जाए. सो बिग बॉस एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया देखती है, वो मेरे घर में भी चलता है, चाहे उन्हें नहीं पसंद रियलिटी शोज या कुछ भी, लेकिन बिग बॉस वो भी देखते हैं. सो आई जस्ट होप मे बी वहां पे जब मैं 100 दिन उनके उनसे बिना बात करे, बिना फोन यूज करे, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, स्ट्रेंजर्स के साथ रहू, तो मे बी जो शायद मुझे पूरी लाइफ टाइम नहीं मिल पाया अब मिल जाए. मे बी दे एक्चुअली बिकम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई यू स्ट्रांग इनफ टू बी इन द हाउस फॉर 100 days? या एज आई टोल्ड आई हैव लिव्ड इन हॉस्टल फॉर 4 years, सो आई हैव सीन सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल, फेक, रियल, क्राइंग, इरिटेटिंग. आई हैड सो मेनी रूममेट्स. एंड उसके बाद दिल्ली भी रही हूँ, फ्लैट्स में रही हूँ, पीजी में भी रही हूँ, बॉम्बे रही हूँ 2 साल. सो बहुत लोग मिले हैं, बहुत टाइप के लोग मिले हैं. सो जलप करना इजी हो जाएगा. या आई कैन डिफ्रेंशिएट कि अच्छा ये मेरे टाइप का है, मेरे टाइप का नहीं है, पता चल जाता है थोड़ी देर की कॉन्वो में, 1-2 दिन में पता चल जाता है. सो आई एम वेरी ईगर टू मीट दिस स्ट्रेंजर पीपल. तो सेलिब्रिटी ज्यादा बनेगी आपकी या आपको लगता है कॉमनर्स से? दैट डिपेंड्स. सेलिब्रिटी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, कॉमनर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, बाय हार्ट एज आई टोल्ड यू, हर बंदा डिफरेंट होता है. तो आई डोंट नो रियली. यू कैन एडजस्ट विद बोथ? या आई कैन एडजस्ट विद बोथ. अब दैट डिपेंड्स, अगर सेलिब्रिटी मुझसे जेलस होता है या कॉमनर मुझसे जेलस होता है, सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट. बाकी लड़कियों से ज्यादा मेरी पड़ती नहीं है,
मतलब मेरी तो पड़ती है बट उनको मैं चार दिन बाद पसंद नहीं आती, चाहे उनके बॉयफ्रेंड इशू या फिर उनका क्रश इशू, उनको मैं ज्यादा पसंद आ जाती हूँ. तो एंड ऑफ द डे वो मेरी एनिमी ही होती है. सो आई एम नॉट रियली श्योर सेलिब्रिटी और कॉमनर. हैज एनीवन टोल्ड यू योर ब्यूटी विद ब्रेन्स? या आई हैव एक्चुअली अचीव्ड अ अवार्ड इन माय स्कूल. आई गॉट अ अवार्ड इन 12th स्टैंडर्ड ऑफ एबल ब्यूटी विद ब्रेन्स. ओके ठीक है, डन. ओके.